नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा, अगर जो आप गल्फ में GCC कंट्री में रहते हो तो एक कंट्री ऐसा है जो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट दिया। अगर जो आप वहाँ के रहे, वहाँ पे जाके अपना जॉब करते थे तो काफ़ी राहत की खबर आई, क्योंकि आपको पता था अगर जो आप छुट्टी गए थे तो बहुत सारे लोगों का तो 6 महीना भी पूरा हो गया होगा, वीजा एक्सपायर हो गया होगा, वो क्या करेंगे। उनके लिए काफ़ी राहत की खबर आई है, काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर आई। आपको बता दो जो कि वो कंट्री है कुवैत। कुवैत में अगर जो आप रहते हो, आप इस समय इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या कोई अदर कंट्री के रहने वाले हो, नेपाल के रहने वाले हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी राहत की खबर दिया आपको कुवैत की सरकार ने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहले आपको बता दूं, जिस तरह ये महामारी पूरी दुनिया में चल रही है, बहुत सारे लोग अपने घर पे गए थे छुट्टी के लिए, बहुत सारे लोग अपनी शादी करने के लिए, घर में शादी था या किसी और काम के लिए, इंडिया या बांग्लादेश पाकिस्तान पे गए हुए थे। लेकिन वो क्या हुआ, इंटरनेशनल फ्लाइट तो बंद हो गई, ये महामारी जो चल रहा था उसकी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट तो बंद हो गई। लेकिन उसके बाद कुवैत की सरकार ने काफ़ी बड़ा अपडेट दिया, जो कि आपको बता दो, जो कि इस समय बताया सूत्रों सुरक्षा मतलब इनमें बताया गया जारी आवास, और उसके बाद कुवैत के बाहर जो लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं कुवैत के बाहर कौन लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं खुद, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी जगहों के काफ़ी भारी तादाद में कुवैत में काम के अपने जॉब के सिलसिले में लोग वहाँ पे गए हैं। तो वो अगर जो छुट्टी के लिए अपने घर पे आए तो उनके लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें बताया गया जो ये महामारी चल रही है उसको उसके हिसाब से, और जो बताएं तो पहले आपका वीज़ा कितने दिन में खलास होता था, पहले आपका वीज़ा 6 महीने में, अगर जो आप 6 महीने से पहले एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मारते तो क्या होता था, वीज़ा ख़त्म हो जाता था। यही हर एक देशों में, पूरे ऑल्ड वर्ल्ड की बात करें तो हर एक देशों में इसी तरह सेम है, 6 महीने के वीज़ा की वैलिडिटी रहती है। उससे पहले ही आपको 2-3 दिन पहले ही आपको एयरपोर्ट में आके आना पड़ता है, नहीं तो आपको काफ़ी मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें कुवैत की सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि पहला ऐसा कंट्री है जिसने इतना बड़ा बदलाव किया। कुवैत ने अपने जो कुवैत में जॉब के सिलसिले में वो आए हुए और अपने छुट्टी अपने घर या और कंट्री किसी भी काम के लिए गए, उनके लिए काफ़ी राहत है। टोटल बात करें तो उसमें बताया गया 12 महीने के होगा, 6 की जगह पे ये 12 महीने कर दिया गया, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट है वो कुवैत की सरकार ने दिया आप सभी के लिए। जो अगर जो आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं पे भी आप छुट्टी काटने के लिए गए थे, अगर जो आप कुवैत के रहने वाले हो, कुवैत में आपका वीज़ा लगा हुआ, तो काफ़ी बड़ा अपडेट है, 12 महीना उसको कर दिया गया। वहीं सभी प्रकार हो गए, जो कोई भी काम के लिए, जैसे घरेलू हो गए या घरेलू कामगीर या देश में, मतलब हर एक जगह पर, जिस तरह मैंने पहले था किसी भी काम के लिए, अगर जो आप वहाँ पे आपके पास आईडी कार्ड है कुवैत का, तो काफ़ी राहत की खबर है। वहीं आपको बता दूँ कि इसमें लोगों के लिए 3 महीने तक का समय कार्य वीज़ा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी पूरा करने में असमर्थ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें 3 महीने का छुट्टी जारी किए। लेकिन इसमें आपको बता दूँ, फैसले में देश में ध्यान में रखते और विदेश में रहने वाले प्रवासियों को आसानी, क्योंकि मालूम है आसानी तो लाजिम होगा, क्योंकि 1 साल कर दिया गया जैसे वीजे का टाइम, तो काफ़ी बड़ी राहत। वहीं आपको बता दें, इसमें बताया गया तारीख की, मैं तारीख की बात कर लूँ तो इसमें बताया गया जो कि आपको बता दें, महीना 31/5/2020 से ये शुरू हो रहा है, 31/5/2020 से शुरू हो रहा है। उसके ख़त्म होने की बात करें, मतलब बहुत सारा जो 3 महीने का है, 3 महीने का भी जो कि टूरिस्ट वीज़ा हो गया या और वीज़ा हो गया, 3 महीने की बात करें जो कि आपको बता दें 31/8/2020 को सभी मामले समाप्त हो जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी मतलब 3 महीने की विस्तार कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से उस पर 3 महीने का जो है वो चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इसमें काफ़ी बड़ा राहत दिया गया है। जो अगर जो 6 महीने के बजाय इसको 12 महीने का वृद्धि कर दिया गया, जो कि काफ़ी एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कुवैत की सरकार ने। आप सभी, अगर जो आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, यहाँ पर जैसे जिनका वीज़ा मतलब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हुए थे, अंतरिक्ष मंत्रालय ने जारी किए नए बयान में कहा है, देश में हुई प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, मतलब हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर राहत दिया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन न्यूज जो कुवैत की सरकार ने दिया है। तो और कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, साथ ही मैं आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो लाइक कर दिएगा। नमस्कार।